मैंने इस तरह का गुरु निकाला है वो भी एक हेलो बार। गाइज, नमस्कार, वेलकम बैक टू माय चैनल सिटी फर्नीचर। सो गाइज, आज लाए आपके लिए एक और बेहतरीन वीडियो जो कि कार्टून से रिलेटेड है और बहुत ही यूनिक वीडियो है, और देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और आज हम बात करेंगे कार्टून मशीन कुछ सीक्रेट बातें हैं जो हर कारपेंटर भाई को जानना चाहिए, और जो हमारे नए कारपेंटर भाई हैं उनके लिए तो बहुत ही अच्छी वीडियो होने वाली है। तो आप वीडियो को स्किप नहीं कीजिए, आप वीडियो को पूरा देखिए तभी आपको समझ में आएगा। बताएंगे आपको एक कटर ब्लेड की मदद से एक बार में एक सूत से लेकर के और 3 सूत तक का ग्रो निकाल सकते हैं, वो भी एक बार में। तो कौन सा ट्रिक अपनाएं कि आप ऐसा कर सकते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं मैंने इस तरह का ग्रो निकाला है वो भी एक बार में, तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। तो ज़्यादा नहीं, कुछ टेक्निक जरूरत होती है। जैसा कि मान लीजिए मैंने एक ब्लेड में उल्टा मुझे माइका पीस लगाना पड़ेगा, जैसा कि ये मेरा माइका है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे लगा दूँगा 1 mm की एक गम की मदद से। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा फेवी क्यों गिरा दिया है, वो चिपक जाएगी, ठीक है। थोड़ा सा मिनट तक इसका इंतजार करें, ये तो मशीन में चिपक जाएगी हमेशा के लिए। इस तरह से कुछ कर लें आप, फिर बाद में ये हमारी मशीनें हैं तो हमारी मशीने में कुछ इस तरह से इसको इंस्टॉल करें, जैसा कि मैंने अभी कर दिया। ये जो भी कैप होता है वो रखने के बाद में इसको अच्छी तरह से टाइट कर लें ताकि लूज ना रहे मशीन, जैसा कि मैंने यहाँ पे टाइट कर लिया। हमारी ब्लेड लगभग टाइट हो चुकी है, अब मुझे अपने गेज के हिसाब से आगे पीछे अपडेट करके कितना मुझे डीप निकालना है उतना हम निकाल सकते हैं। तो मुझे लगभग 125 निकालना है, तो मैं उसके हिसाब से ब्लेड को बाहर निकाल लेता हूँ ताकि हमें उतना ही ग्रो निकालने में बिल्कुल सही सटीक हो जाए। तो अभी हमारी ये सब पूरा सेटिंग हो गया, अभी इसको हम अच्छी तरह से टाइट करेंगे। एक्चुअली हमारे पास स्पाइनर नहीं है तो मैं इसकी मदद से थोड़ा सा इसको मैं टाइट करता हूँ। ये हमारी कुछ टाइट हो गई ब्लेड, अब तक हम इसको चेक करेंगे कि हमारा ग्रू सही है कि नहीं है, कि और कटिंग कर बिल्कुल एक बार मैंने कटिंग किया और इतना ग्रू निकल गया। इस तरह से आप 3 सूत तक का भी ग्रू निकाल सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना होगा, जैसे मैंने अभी इसमें 1 mm का माइका लगाया तो उसके जगह पर थोड़ा सा और मोटा आपको डबल माइका लगाना पड़ेगा। डबल माइका लगाएंगे तो हमारी ये जो ब्लेडें हैं वो बिल्कुल क्रॉस चलेगी, थोड़ी तिरछी हो चलेगी, तो जिससे हमारा ग्रो आसानी से निकल जाएगा। लेकिन ध्यान देने जो कि ये बातें हैं कि जब भी आप इस तरह से काम करें तो जैसे कि हमारा जो पहले कटिंग होता है ये गेज का वो थोड़ा कम होता है, ठीक है। तो जब मशीन स्टार्ट करें तो मशीन स्टार्ट करके कुछ एरिया बन जाएगा तो इसमें बिल्कुल इजी मशीन चलेगा, नहीं तो फिर फंसेगी ब्लेड आपकी, ठीक है। तो ये हमारा कुछ मेथड है, इस तरीके को अपना करके आप ग्रू ऐसा निकाल सकते हैं भी एक बार में। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। इस तरह से हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए, इस तरह के और भी टेक्निक आप लाते रहेंगे। धन्यवाद।